तो कैसे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगी। तो मैं आज आपके साथ दो बातें शेयर करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है। पहला कि अगर कस्टमर ज़्यादा हों तो उन्हें संभालें कैसे, ऐसा क्या करें जो उन्हें बुरा भी नहीं लगे और आपका भी काम चलता रहे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, हमारे काम में जलना फूकना आम बात होती है फ्रेंड्स, बिल्कुल आम बात, मजाक समझ लो एक तरह का, जो कभी कभी हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। तो अगर आप जल जाते हैं तो आपको उस समय पर क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैं रिसेंटली मैं जला हूँ, 2-3 दिन हुए मुझे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी उंगलियाँ, देखिए ये फ्रेंड्स मेरी उंगली काली ही पड़ गई है, देखिए, ठीक है। मेरा कैमरा कोई खास नहीं, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, मेरी उंगली तीनों काली पड़ गई हैं, ये जल गई है अच्छी खासी। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूँ, अगर आप काम कर रहे हैं तो गलती से आपको ऊपर कढ़ाई पलट जाती है किसी कारण, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आलू काट के घिसके लगा लो, कुछ लोग कहते हैं रतन जोत लगा लो, कुछ लोग कहते हैं गोले का तेल और रतन जोत लगा लो। मगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँ मेथड, आप जैसे जलें तुरंत उस जगह पर आपको नमक लगाना है। नमक हमेशा अवेलेबल होता है, हमें हमेशा पता रहता है कि नमक किस जगह रखा है। नमक जो है हमारी खाल को बचाता है, उसको सेफ करता है। अगर आप नमक लगा लोगे तो आप उसी वक्त पर जाएगी, जलन कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, नमक आपको ज़्यादा लगा कर रखना है, नमक में हाथ डुबो लो समझ लीजिए, ठीक है। नमक पोत लीजिए उस जगह अच्छे से, तो नमक से की वजह से आपके जो छाले वाले हैं देखिए इस तरीके के नहीं पलेंगे, खाल काली जाएगी, आपको काम में कोई दिक्कत आएगी, परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली बात हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं दूसरी बात से, तो दूसरी बात भी हमारी इस प्रकार की है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब काम करने बैठते हैं तो आज के ज़माने में हर किसी को हर सामान जल्दी चाहिए, ये आपको पता भी होगा और आप समझते भी होगा। अगर आपने कभी दुकानदारी करी होगी आप उस दुकान बहुत अच्छे से जानते होंगे, कस्टमर आता बाद में ही जल्दी पहले ही कह देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब तक 2-4 कस्टमर आप संभाल सकते हैं, जब तक आपकी क्षमता है संभाल लेंगे, ठीक है, 2-4 कस्टमर संभाल सकते हैं तक तो ठीक है। मगर जब कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और आपके पास ये 2 ही हाथ हैं, तीसरा नहीं होता, चौथा पाँचा नहीं होता, आपने कोई लेबर नहीं लगा रखी, ठीक है, तो आपको क्या करना है उस जगह, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर बड़ी बड़ी दुकानों पर कभी गए होंगे, बनिया वनिया की दुकान पे, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब वो लोग ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो कस्टमरों पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी दृष्टि उसी पे बनाए रखते हैं जो पहले आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरी तरफ देखते ही नहीं है, ठीक है। इसे सरल भाषा में कहते हैं इग्नोर करना इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अनदेखा करना, देख कर भी अनदेखा कर देना। इससे हमारे दिमाग में एक संकेत जाता है कि उसने हमें देखा नहीं, हमारे दिमाग में डाउट पैदा होता है कि यह दुकानदार ने हमें देखने ठीक से देखा नहीं है, ठीक है। देखता होता सामान दे देता, और सच्चाई ये नहीं होती, सच्चाई ये होती कि तुम्हें देख के अनदेखा कर चुका है, इग्नोर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता कि उसने तक देखा नहीं है, और फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग भी सजेस्ट कर देगा कि यार भीड़ बंदे के पास कैसे कर रहा है, कैसे सुनेगा, ठीक है। ये कहानी होती है। और कई लोग क्या करते हैं कि गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ कैसे करती हैं, कस्टमर आए नहीं उससे पहले से, 4 पहले से खड़े हैं, 5वें से उसने पूछ लिया कि क्या क्या चाहिए। अब एक बात बताना फ्रेंड्स, कॉमन सी बात समझ लें, बात को 4 पहले से खड़े हैं, ठीक है, और 5वां बंदा आ गया, आप उसे भी दे रहे हैं, आपने पूछ लिया सामान क्या है, मतलब उसका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से वो टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आपने उससे ऑर्डर ले लिया, आप दे नहीं पा रहे, क्योंकि पहले तो 4 लाइन में कर गए, 5वें को तो जब देंगे ना उनको फ्री करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, 5वें को पहले देते हो और पहले को 5वें नंबर पे देते हो, तो गारंटी वो दुकान पे आपकी दोबारा नहीं चढ़ेगा वो कस्टमर, ठीक है, दोबारा नहीं चढ़ेगा वो कस्टमर आपकी दुकान पे, लगभग जो होता आसार, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो कस्टमर लेट आते हैं उन्हें लेट ही दें, एग्जाम्पल लेट आते हैं लेट ही दें। मगर मैं आपको फिर भी एक टिप्स वाली सलाह देता हूँ जो हम लोग कभी कभी फॉलो करते हैं, वो ये है कि अगर कोई ख़ास बंदा है एमरजेंसी, ठीक है, या यू कह लो कि आपकी जान पहचान समझ लीजिए, या स्टाफ समझ लीजिए, आप सफर समझदार हो, ठीक है, आपको क्या करना हो जगह, आपको ये कह देना है कि भैया ये बंदा बहुत पहले से बोल के गया है, ठीक है,
ने मुझे बहुत एक घंटा पहले से ही पैसे भी दे दिए हैं और ऑर्डर भी दे दिया है, इसलिए मुझे इसको पहले देना पड़ता है और बहुत बुरी बुराई है। आपको ये बात क्या ख़त्म करनी है, ठीक है? ये है जुगाड़ करने का। अब बाकी उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान ना दें जो अभी अभी आए हैं, उन्हें उनके उनके हाथ से छोड़ दें। ये जब उनका अपने आप ऑटोमेटिक आगे आएंगे उनका सामान दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको दुकानदारी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं आपको देता हूँ, बड़ी 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 दुकानों का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मगर आपको एक छोटी दुकान का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं कि हम मैं अपनी बताता हूँ, दूसरे की छोड़ अपने ग्यारह सबकी बता देता हूँ, मतलब लोग मुझे फंसा देंगे कैसा कैसा बंदा कैसी बातें करता है। तो बात यह है कि मान लीजिए अगर आपने किसी को याद किया तो याद आप जाके तो करोगे नहीं, उसे आप मोबाइल ही फ़ोन करोगे, कंपलसरी वाली बात है। आपने उसे मोबाइल से फ़ोन करा और उस सामने वाले ने फ़ोन उसके हाथ में, ठीक है, और वो कोई बिजी है तो वो आपको फ़ोन काट देगा। इससे क्या पता चल जाएगा कि आपने उसे फ़ोन करा और उसने फ़ोन काट दिया, उसके हाथ में फ़ोन था मौजूद है, ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, ठीक है। अगर वही इंसान क्या करे, आपका फ़ोन उसका आपने उसे फ़ोन करा, उसका फ़ोन बजा, वो बिजी है, उसने फ़ोन उठा के साइड में रख दिया, फ़ोन बजता रहेगा, ठीक है, और आपके पास क्या बजते बजते वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो उसके पास आपका क्या संदेश पहुंचेगा कि वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो फ़ोन भी कहेगा कि आपको वो फ़ोन आपको रिसीव नहीं करवा रहे, कृपया दोबारा ट्राई करें। मतलब वो आपको समझा देगा, खुल मिला के फ़ोन समझा देगा आपको आपकी भाषा में। तो इसी प्रकार अगर फिर अब आप फ़ोन के लिए लो, अब वो बंदा जिसने आपको फ़ोन रिसीव करा तो उसके पास कहने के लिए कई बातें हैं कि मैं कहीं गया था या मेरा फ़ोन कहीं रखा था, कुछ भी हो कह के वो आवाज टाल देगा और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसे सेम कस्टमर के साथ होता है, अगर आप उसे अनदेखा करेंगे ना और अनसुना करेंगे तो उसे लगा रहेगा कि यार बंदे खड़े हैं बीच में, उस वजह से ध्यान नहीं दे पा रहा। अगर आपने उसका ऑर्डर ले लिया है और सब समझ जान गए हो आप और फिर भी आप उसका अनसुना कर रहे हो तो फ्रेंड्स उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा उसे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, दुकानदारी का मेन ड्रामा यही होता है, कई बार गुस्सा ही बहुत आ जाता है, तो गुस्से पे काबू रखें और गुस्से वाली बात ही मत करें। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई कस्टमर आके फिर जा रहा है, ठीक है, अगर आपके पास दो मिनट भी दे रहा है ना अगर और आप उसे सामान नहीं मिल पा रहा तो उसे ध्यान दे दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए उसे। अगर उसे डिस्टर्ब कर दिया आपने कि भाई रुक जाओ लेके जा, तो वो आपकी फिल्म बना देगा, वो कहेगा अब मुझे अभी दे, कहाँ से दोगे, कैसे दे दोगे। एक स्कीम मैंने आपको बताई है, वो जुगाड़ अगर आपका खास है या उसे कोई इमरजेंसी है तो उस स्कीम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वरना उसे हाथ जोड़ के मना कर दीजिए। मना क्या बोलने की जरूरत ही ना, आप तो मैंने आपको बताया सुनिए मत, अनदेखा करिए बस। ये मैं लाइव एग्जांपल खुद पे ही ट्राई करा दुकान पर, ये काम करता है और बहुत अच्छा करता है, और ये बढ़िया बुद्धि भी लोग करते हैं। बड़े बड़े दुकान वाले को पास जाके देखिए आप, होलसेलरों के पास जिसकी बड़ी दुकानें होती है वो ध्यान नहीं देते, तो सामने खड़ा होगा मैंने उस पर ध्यान देंगे, उसके बाद आपका नंबर अपने आप आ जाएगा, आप आ गया जाओगे तो अपने आप फिर वो दिखेगा आपको और आपको वो देखेगा फिर तब वो आपको सामान देगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों और अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।